1892 लोकमान तिलक इन्होंने पुणे से सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी और देखते देखते कुछ सालों के अंदर बहुत सारे सार्वजनिक गणेश मंडल की स्थापना हुई। ये हुआ पुणे का आज हम लोग मुंबई के सबसे फेमस चिंचपोकली के चिंतामणि गणेश मंडल की हिस्ट्री यानी कि इस मंडल की कहानी को जानेंगे। मुंबई 1893 केशवजी नायक चौल गणपति मुंबई की सबसे पहली गणेश मंडल है जो कि लोकमान तिलक इन्होंने पुणे में सन 1822 में पहला गणेश उत्सव मनाने के साथ ही दूसरे ही साल में मुंबई में मनाया जाने वाला गणेश उत्सव है। उसके बाद मुंबई स्थापित होने वाले सार्वजनिक गणेश उत्सव है और आज हम मुंबई के सेकंड ओल्डेस्ट गणेश मंडल की बात करने जा रहे हैं। 6 सितंबर 1920 ये वो दिन है जिस दिन चिंचपोकली के चिंतामणि सार्वजनिक गणेश मंडल की स्थापना हुई, यानी कि इस मंडल की स्थापना होने में 20 से 25 साल की कलाविधि लगी, क्योंकि कारण ही ऐसा था कि मुंबई ये ब्रिटिश लोगों का हेडक्वार्टर था, जिसके कारण सब लोग एक साथ होकर कोई फेस्टिवल मनाना बोले तो असंभव था। लेकिन वो कहते हैं ना, असंभव शब्द में ही संभव शब्द छुपा हुआ है और हमारे लाडले गणेश जी का आशीर्वाद होने के कारण ये संकट छोटी हो गई और वही ब्रिटिशों के राज्य में पहले 3 मंडलों में सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करने में चिंचपोकली इस मंडल का नाम लिया जाने लगा। और कहानी कुछ ऐसी है, चिंचपोकली, लालबाग और परेल ये भाग गिरणी कामगारों के बस्ती के नाम से जाना जाता था और इस मंडल की शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा गिरणी कामगार लोग ही थे। लोकमान्य तिलक के विचारधारा के अनुसार सारे लोग एकत्रित हो, इसलिए 6 सितंबर 1920 चिंचपोकली सार्वजनिक गणेश मंडल की स्थापना हुई और कुछ ही दिनों में यानी 10 दिन में 16 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। तो भी केवल इस 10 दिन की कलाविधि में सभी लोग मिलकर चंदा जमा करना, मंडप बनाना, गणेश जी की मूर्ति लाना, सारे सजावट करना, ये सारे काम करके मंडल का फर्स्ट उत्सव मनाया। सब लोग एक साथ आए तो असंभव चीज भी संभव हो जाती है, इसकी समझ हर किसी को हो गई थी। वो कहते हैं ना, जहां एकता है वहां हमेशा जीत होती है। अगर आपको एकता की ताकत का पता लगाना है तो आप मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार के देखो। और इस मंडल के द्वारा साल में एक ही बार चंदा लेकर और भी बहुत से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें, इस मंडल की पहले साल की चंदा केवल 4 आने थी और इस मंडल की स्थापना के पहले साल से ही सारे गणेश भक्त लोग दर्शन को आने लगे थे। अभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, ये गणेश जी के मंडल का नाम चिंचपोकली छा चिंतामणि ऐसा क्यों पड़ा? इसकी भी कहानी बहुत ही सुंदर है। शुरुआती के समय ये गणेश जी को पुला खालचा गणपति ऐसा बोला जाता था और उस समय ब्रिटिश हम पर विरोध करेंगे, इस बात की चिंता सभी के मन में थी। और देखते देखते इस मंडल के गणेश जी को 25 साल पूरे हो गए और 1945 को इस मंडल ने अंग्रेजों की आंखों के सामने पूरे आनंद से इस रौप्य महोत्सव मनाया था। बोला था ना, बाप्पा का आशीर्वाद मिलता है तो हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि उसके अगले 2 सालों में ही अपना भारत देश स्वतंत्र हो गया, यानी सन 1946। लेकिन आपको बता दे, इस मंडल के सामने बहुत सी विकट परिस्थिति सामने आई थी। एक बार तो बहुत ही खराब परिस्थिति सामने आई, मुंबई में काम करने वाले गिरणी कामगार के कांपड़ गिरणी बंद हो गई, जहां सभी गिरणी कामगार लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसके कारण उन्हें उनके जीवन और साथ साथ गणेश उत्सव को कैसे मनाया जाए इसकी चिंता सभी को सताती थी। लेकिन इस मंडल का काम रुका नहीं, सारे गिरणी कामगार बेरोजगार हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गणेश उत्सव की इस परंपरा को चालू रखा और वो आज भी चालू है और धीरे धीरे इन कामगार का काम शुरू हो गया, जिसके कारण इस विकट काल में सभी की चिंता को हरने वाले ये गणेश जी को चिंतामणि कहा जाने लगा। और गणेश जी चिंचपोकली रेलवे स्टेशन के बाजू में होने के कारण इस गणेश जी को चिंचपोकली छा चिंतामणि कहा जाता है। सब 1920 से इतने सारे मुश्किल परिस्थितियों से आगे आने वाला मंडल आज बहुत ही बड़ा सार्वजनिक मंडल कहलाया जाता है, इतना बड़ा कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। और मुंबई के सबसे बड़े आगमन सोहा चिंचपोकली का चिंतामणि का ही होता है। और आपको बता दे, आगमन की प्रथा इस मंडल से ही शुरू हुई है। और इतना ही नहीं, चिंचपोकली के चिंतामणि के पाठ पूजन का आयोजन भी किया जाता है,
जिसने दर्शन करने वाले गणेश भक्तों की संख्या कम नहीं होती। इस मूर्ति को आदिकाल में प्रसिद्ध मूर्तिकार दीनानाथ वेलिंग बनाते थे। चिंचपोकली चा चिंतामणि गणेश मूर्ति मुंबई के प्रसिद्ध गणेश मूर्तिकार श्री विजय खाटू द्वारा बनाई जाती है। विजय खाटू अपने सेंट्रल रेलवे ग्राउंड परेल वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियां बनाते हैं, जिसे वह अपने भाई राजन खाटू सहित मुंबई के अन्य प्रसिद्ध मूर्तिकारों के साथ साझा करते हैं। और भी चिंतामणि गणेश जी के आगमन के समय लोग परेल वर्कशॉप के सामने बहुत ज्यादा संख्या में गर्दी करते हैं, जहां मंडल को पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग यहां पर गर्दी करते हैं, प्रॉब्लम ये ही कि लोग यहां कौन से उद्देश्य से आते हैं, श्रद्धा, मज्जा मस्ती या फिर बप्पा का बुलावा। इसके अलावा आपको बता दे, चिंचपोकली चा चिंतामणि इस मंडल के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। सबसे ज्यादा इस मंडल के नाम का टी शर्ट छपने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा चिंचपोकली चा चिंतामणि मुंबई का एक प्रसिद्ध गणपति पंडाल है, जो अपनी मधुर आरती और पारंपरिक समारोहों के लिए जाना जाता है। और चिंचपोकली फ्लाईओवर के नीचे स्थित यह गणपति पंडाल लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से मौजूद है। चिंतामणि का अर्थ है वह जो सभी चिंताओं को दूर कर देता है, और भक्त 23 फीट की चिंचपोकलीचा चिंतामणि की एक झलक और दर्शन पाने के लिए क्षेत्र की संकरी गलियों में भीड़ लगाते हैं। इंतजार अब खत्म, चिंचपोकलीचा चिंतामणि आगमन सोहाला 2023 9 सितंबर के लिए अपने कैलेंडर चिन्हित करें। शानदार चिंतामणि आगमन 2023 के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? तो कुछ ऐसा है हमारे चिंचपोकली के चिंतामणि की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी हमारे चिंतामणि बप्पा की स्टोरी पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, टेक केयर, बाय।